हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोग बेसल टू नॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इस लेक्चर में बेसल थ्री नॉर्म्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले राइटर जो यहाँ पर आपको जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बताना भूल जा रहे हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ, और कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा मैं आपको बेसल थ्री के अंदर। बेसल थ्री के लिए जो गाइडलाइंस थी वो 2010 में रिलीज करी गई थी आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेसल टू के बाद ना बेसल थ्री के नॉर्म्स आते भी नहीं अगर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता तो। और ये जो है ये नॉर्म्स रिलीज करेंगे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010 में, 2013 का जो न्यू ईयर था वहां से ये प्रैक्टिस में आना स्टार्ट हो गए थे अलग अलग कंट्री के द्वारा। उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने अपने अपने देशों में इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था इन अ फेज्ड मैनर। अब ज्यादातर जो कंट्रीज थी बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का जो हिस्सा थी, कितनी कंट्रीज हैं ऐसी 45, उन्होंने इस बार बेसल नॉर्म्स को फेज मैनर में अडॉप्ट करना स्टार्ट करा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन इसके स्ट्रिक्ट होंगे शायद से, है ना, या फिर बहुत सारी कंट्रीज अभी रेडी नहीं होंगी। जो रेडीनेस की बात है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले मुझे बताओ कि बेसल कहां पर है। बेसल कहां पर है, कौन सी कंट्री में है? स्विट्जरलैंड में। ये डेवलपिंग कंट्री के डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, बिल्कुल। जो मेंबर्स हैं इसके जिन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है, आपको क्या लगता है ज्यादातर कौन सी कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक हैं? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड ज्यादा है, और उन डेवलप्ड में से मैं क्या बोलूं, अफ्रीकन नेशन ज्यादा है, एशियन नेशन ज्यादा है या यूरोपियन नेशन ज्यादा है? यूरोपियन। अब अगर यूरोपियन नेशन ज्यादा है, अगर आप ये आंसर बोलते चल रहे हो, तो अब मुझे बता दो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसने दुनिया में कौन से रीजन को सबसे ज्यादा प्रभावित करा था इकोनॉमिकली? यूएस, यूरोप, शाबाश। ये डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो है वो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो ये आए थे, इन्होंने पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था को इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट को अमेरिका और यूरोप के अंदर हिलाकर रख दिया था। ओके, अब बेसिकली ये वाले, जैसा कि मैं आपसे बड़े टाइम से बोल रहा हूं कि डेवलप्ड नेशन है, तो मैं पहले लिख दूं यूरोप वाले प्लस आपका यूएसए। एक तो जैसे मैं बड़े टाइम से आपको बोल रहा हूं कि ये जो बेसल थ्री जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, यहां पर ये आने की जरूरत पड़ती भी नहीं अगर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ होता तो, वो तो चलो बात ठीक है। लेकिन अब बेसिकली ये जो बेसल थ्री नॉर्म्स है ना, ये एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री की वजह से लाने पड़े, वो अलग बात है कि बाद में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। मेजर रीजन इसके पीछे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस की जो नींव जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है डेवलप्ड नेशंस के साथ। इस वजह से ये जो नॉर्म्स आए वो आए इससे, डेवलप्ड नेशंस जो प्रभावित हुए थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से उसकी वजह से। ठीक है, अब 2010 में जब ये बेसल थ्री गाइडलाइंस जब ये रिलीज होती हैं, 2013 से ऑपरेशनल होती हैं, अब नीड जो है एक ये थी, अगर आपसे कोई पूछे कि बेसल थ्री की नीड क्या थी, नंबर वन
ये देखा गया था कि डेवलप्ड नेशंस के अंदर ना, ध्यान से समझना इस चीज को, इसको पूरा वैसे लिखना चाहिए था, पता है इसने जो मेन कहानी यहां पर वो कर दी ना, ये पढ़कर बहुत बेकार लगा मुझे कि देखो अपन लोग तो चलो ठीक है यार, मतलब मैं ये वाली बात आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है इसको या जो भी है, आपको इतना बैकग्राउंड वगैरह देकर मैं कोई भी एंगल छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आपको पता है, एक बार बताऊँ, जो इस नितिन सिंघानिया के इतने कंटेंट का रट्टा भी मार लेगा ना वर्ड टू वर्ड, तब भी यूपीएससी इसको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर भी नहीं पता होंगी उसे, मतलब ये बेसल टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अभी से डेवलप्ड नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सोचा गया 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, भाई तुम डेवलप्ड नेशंस हो, अगर तुम इतने सक्षम थे तो तुम इस इकोनॉमिक शॉक से अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए जो तुम्हें इकोनॉमिकली झटका लगा। इंडिया जैसी कंट्री को तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर। तो बेसल थ्री नॉर्म्स के आने के पीछे सबसे पहला कारण ये था कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उन इकोनॉमीज के अंदर बैंक्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्यों? चार रीजंस की वजह से। इनको ध्यान से समझना प्लीज। ये बोला गया, ये चार रीजंस देने से पहले एक लाइन और लिख देता हूं। ये बोला गया, ये माना गया, दूसरी नीड बेसल थ्री नॉर्म्स क्यों है, जो क्वालिटी है ना और जो क्वांटिटी है, किस चीज की, कैपिटल की, जो इन्फ्यूज करा गया था बेसल टू के अंतर्गत, या जो बोला गया था कि जिसके सामने एक पिलर खड़ा कर दो, एक दीवार खड़ी कर दो उतने ही कैपिटल की, ताकि जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनके सामने उतना पैसा जो है वो रहे। अगर उसके बियॉन्ड, जानते समझना, जो बेसल टू में जो जितनी दीवार खड़ी करवाने के लिए जो पैसा बोला गया था, उसके बियॉन्ड अगर बैंकों को फर्दर रिस्क का सामना करना पड़ता है ना, करना पड़ जाए तो बैंक जो हैं उनका जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है, इस फर्दर रिस्क को वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकेगा, बिकॉज कैपिटल इज इनसफिशिएंट। अब इसके चार रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये बोला गया कि इनको फर्दर स्ट्रेंथन की करने की जरूरत है, इनका कैपिटल इतना सही नहीं है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ना ही इतना अच्छा क्वालिटी का है। अब आप कहोगे पैसे का क्या क्वालिटी होती है, भाई यहाँ पर बात हो रही है देखो लोन की, और जो भी एसेट होते हैं बैंकों के उनकी बात हो रही है, कि अगर बैंकों को और किसी प्रकार का रिस्क लेना पड़ जाए तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे उसको। अब वो चार रीजन क्या थे कि ये बोला गया कि डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर बैंक को फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डेवलप्ड इकोनॉमीज की एक दिक्कत थी जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल कर आई, चार दिक्कतें, दे आर अंडर कैपिटलाइज्ड, इसलिए मैंने नीचे वाला पॉइंट पहले लिखवा दिया आपको, दे आर अंडर कैपिटलाइज्ड, पैसों की जरूरत और है, लेकिन अब वो एक्चुअली बनकर ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे नीडी नहीं है। हमें भी लगता है कि भाई अगर मान लो आप ही कल को मेरे को ये बोलो कि सर हमने ना यूएसए में एक बैंक में खाता खुलवा लिया, तो मैं भी सोचूंगा भाई मतलब यार आपकी कोई पहुंच ऊपर तक होगी, आप अरबपति खरबपति होगे और आपने यूएसए के बैंक में पैसा वाला अकाउंट खुलवा लिया, तो आपका मनी कितना फास्ट ग्रो करेगा, कितना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है, वो ठुस हैं बैंक, बिल्कुल फुस हैं, कुछ भी नहीं है उन बैंकों में। ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने खुद आइडेंटिफाई करा। दूसरी चीज, दे आर अंडर कैपिटलाइज तो हैं लेकिन दे आर ओवर लेवरेज्ड। ओवर लेवरेज का बेसिकली ये मतलब होता है, इनका जो एसेट होता है लोन की फॉर्म में
ये ना हद से ज्यादा अपने पैसे को लेंड कर बैठे हुए हैं, ओवर सर्कुलेट करा हुआ है इन्होंने अपने पैसे को। एंड ग्रेटर रिलायंस या ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग, ये जनरली इनकी जो गाड़ी चल रही है ना वो शॉर्ट टर्म फंडिंग के बेस पे चल रही है। ओके और जो चौथा रीजन है वो यही है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज नॉट गुड इनफ कि वो फर्दर रिस्क को एब्जॉर्ब कर सके। तो एक्चुअली ये जो अंडर कैपिटलाइज और ये वाली जो बात है एक्चुअली एक ही हो जाती है। हाँ क्या कह रहे हो मयूर? हाँ हाँ अंडर कैपिटलाइज मतलब हमें देखने से ऐसा लगता है कि नींव बहुत मजबूत है, पैसों की और आवश्यकता है, वो अंदर से मजबूत नहीं है, बिल्कुल खोखले हैं। ओवर लेवरेज का ये मतलब है पैसा ओवर सर्कुलेट कर रखा है लोन की टर्म्स में, और आ जाए और इनकम और इनकम और इनकम और इनकम, तो मतलब पैसा एक चवन्ने भी नहीं टिका हुआ है, सारा का सारा सर्कुलेशन में घूम रहा है उनका पैसा। हम जितना भी CRAR या CAR या जो भी बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की भाषा में कहें, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स या रिस्क वेटेड एसेट, टोटल रिस्क वेटेड एसेट, सारी की सारी बातों की नींव ये जो 8% की जो बात है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या जिसको मैंने आपको बताया था, इसको बोला जा रहा था कैपिटल एडिक्वेसी जो रिक्वायरमेंट है, ये 8% ये सब कुछ यही तो है ना कि ये दीवार खड़ी कर लो, ये पैसा सर्कुलेट मत करो भाई, अपने सामने रख लो उसको, है ना। इसका मतलब है कि ये पैसा अपने सामने रखते नहीं है, बाद में आइडेंटिफाई करा गया। तभी इनके देश में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था 2008 का, ये बचा ही नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? सारा पैसा घूम रहा था उस टाइम पर, वो कंपनी कोलैप्स कर गई, पैसा आया नहीं, बैंक कोलैप्स कर गए, रिसेशन डिप्रेशन। और अभी इस साल यही हो रहा है अगर आप लोगों को पता हो तो, अमेरिका में फिर से तगड़ी तरीके से। अभी एक देखो वो कितना बड़ा वो बैंक था, मैं उसका नाम भूल गया, सिलिकॉन वैली, कितना बड़ा वो बैंक डूब गया। और उसके बाद लाइन से डूबा, सिलिकॉन वैली का तो नाम बहुत प्रचलित हुआ। मयूर दो बार क्रिप्टो में लॉस खाया था हमने उस रात को, जो क्रिप्टो के बैंक डूब पड़े, पता भी नहीं लगा था मैं मार्केट ये क्या हो गई। हाँ इतनी ज्यादा प्रॉफिट में हमारी पोजीशन चल रही थी, सुबह उठकर देखा मयूर कहता है ये क्या हो गया फिर हमें एग्जिट करनी पड़ी अपनी पोजीशन। मतलब वो होता है कभी कभार, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि कभी कभार लॉस होता ही है, कैश इन हैंड नहीं होता। हाँ और ऐसा वैसे घटना ऐसी 10 साल में एक बार होती है, लेकिन अब मैं और मयूर उसका शिकार हो गए थे तो हो गए थे, बस बात वही है। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद ये पहले बताओ आपको ये चीज समझ में आई? पहले ठीक है, इट बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जनवरी 2013 इन अ फेज्ड मैनर। बैंक्स को ये बोला गया इस बारी तुम अपने जो ठोस नींव थी ना, बैंक जिसके ऊपर प्राउड फील करते हैं अपना, ये टीयर वन कैपिटल है ना, ये बैंकों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है मेन, है ना, ये कोर कैपिटल होता है बैंकों का और हाईएस्ट क्वालिटी का कैपिटल होता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल या इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोज रिजर्व्स। याद है ना सबसे तगड़ा कैपिटल होता है ना ये, अगर ये दीवार नहीं बचा पाई तो टीयर टू की दीवार बचा सकती है क्या बैंकों को? नहीं। तो ये बोला गया सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि आप ना जो टीयर वन का जो कैपिटल रेशियो है आप उसको बढ़ाइए 4.5% करो, मतलब वो जितना भी परसेंट चलता हो
ये बढ़ा ही गया होगा डेफिनेटली कि पहले से ज़्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले इन्होंने स्पेसिफाई करा ही नहीं है, पहले इन्होंने ऐसे स्पेसिफाई करा ही नहीं है कि कितना परसेंट, लेकिन इस बार इन्होंने बोला 4.5% अपना टीयर वन कैपिटल बढ़ाना। तो ये अजम्पशन मान ली जाती है कि जो बेसल वन और टू में जो बोला गया था तो वो इतना नहीं होगा, इस बार ज़्यादा बोला गया कि ज़्यादा अपना ये कैपिटल बढ़ा लो, ज़्यादा कैपिटल रेशियो मेंटेन करके रखना, सॉरी टीयर वन का, पहली बात हो रही है टीयर वन की। उसके बाद जो ये कंजर्वेशन कैपिटल कंजर्वेशन बफर नहीं है जो सामने वाला जो दीवार खड़ी करनी है, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5%, मतलब एक ऐसा पैसा जिसको कोई भी आप टच नहीं करोगे बिल्कुल अलग, वो ना SLR है ना CRR है ना वो CAR है या CRAR है, कुछ भी नहीं है, वो 2.5% अपना एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर बिल्कुल अलग रखो। डोंट वरी, आपका ही पैसा कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन इसको फिर भी अलग रखो। अभी समझ जाना, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप इस टॉपिक को अभी इनिशियली पढ़ोगे ना, इस लाइन पे आने से पहले यहां पर ऊपर वाले जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, प्लीज अपने दिमाग में आप यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ही लेकर चलना, इंडिया से मत जोड़ना। ये जो इतनी तगड़ी तगड़ी जो गाइडेंस रिलीज करी जा रही है, ये अभी शुरू शुरू में जो रिलीज करी जा रही है, जो शुरू के जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए दिख रहे हैं, लाइक यूरोपियन एंड अमेरिकन नेशंस, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस, ठीक है। उसके बाद काउंटर साइक्लिकल बफर टू बी मेंटेन्ड इन द रेंज ऑफ 0 to 2.5% टू प्रिवेंट एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ इन द बैंकिंग सेक्टर। और अगर ये ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ अगर हो जाए तो करना क्या है, अभी मैं आपको ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बताऊंगा, अभी इसके बारे में डोंट वरी, इसको मेंटेन करना है जो नीचे जो लिख रखा है, कितना 0 to 2.5%, ठीक है। और कैपिटल कंजर्वेशन बफर अगर मैं आपको बताऊं ये पैसा आएगा कहां से, आप कहोगे सर ये जो आप कह रहे हो 2.5% रखना है, तो ये पैसा आएगा कहां से, लोन के समय में जो उन्होंने सर्कुलेट करा था। और एक ऐसा एक फेज आता है जिसमें ना जो बैंक्स होते हैं एक बूम पीरियड होता है उनका, जहां पर लोन लेने वालों की संख्या रैपिड तरीके से ग्रो कर रही होती है, उस टाइम पर वो पैसा जो है उससे 2.5% निकाल लो और बिल्कुल उसको अलग सुरक्षित रख दो। बाकी काउंटर साइक्लिकल बता दूं कि क्या होता है अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इतना समझ जाओगे। हाँ क्या क्या ये वाला ऊपर वाला ना कि 0. वाला पूछ रहे हो, सिर्फ 2.5 वाला ना, हाँ क्योंकि दोनों चीजें अलग है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे ये जो काउंटर साइक्लिकल है ना, इसको तो मैं यहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको अभी 2 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो, और ये यहां पर अधूरा दे रखा और बताऊंगा अभी इसके बारे में। ये जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है 2.5% की, ये है कि जब कभी कभार बैंकों के जो लोन हैं वो बूम कर रहे होते हैं, लोन लेने वालों की संख्या रैपिड तरीके से ग्रो कर रही होती है, तो यानी कि बैंकों के पास पैसा आ रहा है ना, ऐसे अच्छे दिनों में आप अपने 2.5% सेविंग करके चलो, उसको मत यूज करो, जब बुरे दिन आ जाएंगे तब यूज कर लो। है ये एक्चुअली काउंटर साइक्लिकल की चीज ही वैसे तो, लेकिन ये 2.5% यूज नहीं करना है किसी भी हालत में, यूज नहीं करना है, इसको बस छुपा कर रख दो। यार एक बात बताओ, जैसे आप लोगों के पास अभी जितनी जितनी सैलरी आती है, अगर मैं आपको बोलूं 2033 तक आप कुछ मत करो, अपनी सैलरी में से आप 500 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये एक मिट्टी की गुल्लक खरीद लो, उसमें डालते चलो और भूल जाओ कि आप डाल रहे हो। 2033 में निकालोगे तो यू विल बी सरप्राइज ना कितने सारे पैसे हमने जोड़ लिया, जिसको हम फालतू में अगर बैंकों में रहता खर्च हो जाता, रोटेट हो जाता, आंखों के सामने रहता, कुछ ना कुछ हमारा खर्चा हो जाता, इसको हम डाल के भूल गए हैं, 10 साल के लॉक्ड पैसा है हमारा। लोग FD इसलिए तो करवाते ना ताकि उनके खुद के हाथ बन जाए, है ना। FD एक तरीके से देखा जाए चलो ठीक है, लोगों की जरूरतों के लिए उसके लिए है कि उनको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन एक प्रकार से ये सेल्फ कंट्रोल जो है पैसा खर्ची को लेकर एक अच्छी चीज है कि नहीं है वैसे, बिल्कुल। और यही होती है, पता है इंडियन खानदानों में ज्यादातर यही होती है कि देखो बिटिया बड़ी हो रही है, कल को उसकी शादी होगी, कल को हमें घर लेना है, शादी तो मतलब मेन रीजन ही। आप FD जाओगे ना, कभी लिस्ट देखना उनकी, उनसे पूछना मैनेजर के, ज्यादातर FD लोग किस पर्पज से करवा रहे हैं, किसके नाम पे करवा रहे हैं, तो वो बोलेगी बेटियों के नाम पे हो रही है FD,
या किसी ना किसी बंदी के नाम पे हो रही है, उसको चलो पिताजी भी अगर वो करवा रहे हैं, पर्पज उनका यही होता है। बड़े बड़े आप अमाउंट की एफडी देखो तो यही होती है, और जो एफडी गारंटी तौर पर 90% केसेस में जो 5 साल के से ज्यादा के लिए लॉक्ड है, उसमें तो यही पर्पज होता है, शादी शादी शादी। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एक काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन करना है 0 से लेकर 2.5% था, 2.5% का, टू प्रिवेंट एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ इन द बैंकिंग सेक्टर। ज़्यादा पैसा भी बैंकिंग सेक्टर में अगर आ जाए तो इसको सेव करके रखना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा पैसा ज़्यादा आना बैंकिंग सेक्टर में गलत बात होती है, लेकिन बैंकों को ये बोला जाता है कि आप ऐसे बूमिंग पीरियड के टाइम पर अपना पैसा बचा लो, जब बुरे दिन आ जाएँ अगर तो ऐसे पैसे को यूज़ करना, फिजूल खर्ची अवॉइड करो, यही है। जैसे मम्मी हमें समझाती है ना, उसी प्रकार का ज्ञान है काउंटर साइक्लिकल बफर का, अभी बताऊंगा, अभी आपको रुक जाओ। इस बार लेकिन ये बोला गया कि जो टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है या फिर CRAR जिसको बोला जाता है, ये 9.5% मेंटेन करके चलना है। जो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे ना, कन्फ्यूज मत हो जाना सारी टर्म्स में ये क्या है, ये जो हम इसको पढ़ रहे थे कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है। अभी तक जल्दी बताओ बेसल वन में कितना परसेंट था, मतलब ओवरऑल जो बोला गया कितना, 8%। बेसल टू में कितना परसेंट, 8%। इस बारी कितना, 9.5%, 9.5%। लेकिन एक बात मैं बताऊं भाई, 9.5% बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये जो डेवलप कंट्रीज है ना, ये डेवलप कंट्री की तो छोड़ ही दो, डेवलप कंट्री अभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गए हैं गुजरे हैं, 2008 गया 9, 10, 11, 12, 13, भाई 5 साल में भी उभरना इससे कोई आसान बात नहीं होती है। 9.5% की कैपिटल बफर क्रिएट करना एक रिस्क वेटेड एसेट्स के सामने बहुत चुनौतीपूर्वक टास्क था। अब समझ गए कि इसको हर एक कंट्री ने फेज मैनर में बेसल थ्री नॉर्म्स को क्यों अडॉप्ट करा। वह एक कमाल की बात बताऊं श्रेया, हैं मयूर, भारत ने अभी तक नहीं करा। अरे भाई 9.5% आपको लग रहा है ना, 9.5% ही तो है भाई, 10% बैंकों का कैपिटल हो जाए, 10% कहाँ, कौन सा बैंक है जो 10% वो भाई कर दिया। ठीक है, अभी भी वो करके फेस मैनर में उससे जूझ रहे हैं। ठीक है, अब 9.5% की जो ये नींव है, जब तक मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी देखो क्या है कि जब तक ना 9% RBI कर रहा था तब तक तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, ये बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन भी बड़ी तारीफ कर रहा था। 0.5% बढ़ाना भी हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री के बहुत चुनौतीपूर्वक टास्क है, और सबसे बड़ी बात मत भूलो 2020-21 कोविड की पहली और दूसरी लहर, हमारी GDP नेगेटिव में घूम गई। किसने ही पैसा दे दिया बैंक को वापस, सारे भग गए दिल्ली छोड़ छोड़ कर, जिन्होंने किश्तें विश्ते हुए करवा रखी थी, है मयूर, साइकिल तक जिन्होंने किश्तों पे ले रखी थी वो भी भग गए गाँव साइकिल लेके, बैटरी रिक्शे ले गए बिहार। साढ़े 9% बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है यार, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी। लेकिन हाँ ये, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि इतना बड़ा बफर फिर आपको बड़े बड़े शॉक से भी बचा लेगा। जैसा कि देखा गया था कि भाई 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आई इस वजह से यार। अब जैसे मैं अगर किसी को बोलूँ कि आप लोग अपना ना, अपनी कमाई का 10% ना इन्वेस्ट करा करो आप, मैं आपको अच्छे अच्छे शेयर बताऊंगा, वो बताऊंगा, आपका सबसे पहला आंसर मेरे पास आएगा सर इतना होना भी तो चाहिए, मार्केट में बचना भी तो चाहिए मेरे पास। बात वो होती ना कि आपने तो कह दिया बेसल थ्री नॉर्म से 9.5% मतलब इसका कैपिटल बफर बना लो, शॉक हो जाएंगे भाई। सामने अगर किसी चीज़ की सेविंग करनी है, सेविंग करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। मैं अगर आपको बोलूँ स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पैसा डालो, पैसे से पैसा बनेगा, तो वो पैसा लगाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना आपके पास, तभी तो। ये दिक्कत है, और ये दिक्कत पहले नहीं थी, COVID-19 के बाद आई है ज़्यादा, हमारे देश की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे देश में ज़्यादातर COVID-19 के बाद आई है, और दूसरी कंट्रीज़ ने भी फेस मैनर के अंदर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा था। क्यों, वो जैसे हम COVID-19 के बाद सफ़र करा ना, जैसे हमने वो 2008 में ही ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, चलो उनका फेस मैनर में धीरे धीरे करके बेसल थ्री के नॉर्म्स कंप्लीट होने वाले थे, फिर कोविड आ गया उनके देशों में भी, सबके देशों में आया। इसलिए बेसल थ्री आप ये कहोगे 100% अभी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी नहीं हो चुका है। अगर ये अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब बेसल फोर आने में अब टाइम लगेगा,
लेकिन हमारे जीते जी जब हम अपनी मिडल एजेस के अंदर होंगे या कभी बैठ के कभी सुनेंगे इस चीज़ को, हम किसी मिनिस्ट्री में होंगे तब हम देखेंगे कि हो सकता है आप लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आपका जो है पोस्टिंग हो, तब आप याद करोगे अच्छा यार देखो बेसल थ्री पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, हमारे सामने अब ये बेसल फोर होने जा रहा है। सबसे पहले मयूर जैसे सवाल पूछेंगे सर इस बार सी ए आ रहा है और कितना रखा हुआ है और इसको कितने साल लगाओगे इम्प्लीमेंट करने में, क्यों मयूर है ना, ये चीज होती है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी हमारे देश में आरबीआई जैसा बैंक ये गलती क्यों नहीं करता कि एकदम से बेसल की नॉर्म्स को एकदम से थोप देना। देखो चाहे बेसल हो या फिर आप गाड़ियों के कंटेक्स्ट में चीज़ जानते होगे जो भी जो अगेन यूरोपियन कंट्री से बनकर आती हैं, BS4 इंजन, BS5 इंजन, BS6 इंजन, जानते हो ये सब कुछ, भारत स्टेज एक्चुअली यूरोपियन स्टेज के मॉडल होती है, हमने अडॉप्ट कर रखा है, हमारा तो ब्रेन चाइल्ड है ही नहीं है, हमने दूसरे उससे ले रखा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शायद से अगर आपको याद हो, भारत स्टेज 5 हमने अवॉइड कर दिया था, 4 के बाद डायरेक्टली 6 ले आए थे। अभी लेटेस्ट मॉडल की FZ जो आ रही है यामा की, उसके अंदर भारत स्टेज 7 है, मुझे पता भी नहीं था, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि दिबंग 7 भी आ गया, मैं अच्छा पता नहीं और कहो नई वाली FZ के अंदर भारत स्टेज 7 का मॉडल आ रहा है इंजन लगा हुआ, जो एवरेज अच्छी देगा, पॉल्यूशन कम करेगा और आवाज़ कम करेगा वो इंजन, बहुत सारे फायदे होते हैं उसके अंदर जो भी हैं कुल मिलाकर, बस एनवायरनमेंट प्रो एनवायरनमेंट है बस ऐसा मान काफ़ी हद तक ठीक है। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था, ये छोड़ो भारत स्टेज, ये जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं जो कि हमें यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हम कम्पीट करते हुए इसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, बेसल थ्री एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं करे जाते। बेसल थ्री की बात करूँ या बेसल टू की, चलो वो तो कर दिया गया था एक ही सेम ही था बेसल वन जैसा, इसको एक साथ कभी एक ही दिन में थोपने के लिए RBI से नहीं बोल सकता, मार्केट के अंदर सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर या बैंकों के इक्विटी शेयर्स के अंदर हद से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी, हद से ज़्यादा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चरमरा सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। देखो पता है उस इफेक्ट के बारे में आरबीआई भी नहीं बता सकता कि क्या हो जाएगा, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होगा ये तो सबको पता है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है। अरे मयूर से पूछो, क्यों मयूर, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है ना, क्या कहते हैं उसको, फेडरल बैंक, हाँ फेड जिसको शॉर्ट में कहते हैं। जब हम लोग ट्रेड करते हैं और कभी फेड की रिपोर्ट आ जाती है, मैं मयूर ये सब लोग जितने भी ट्रेड करते हैं एकदम से कोई भी पोजीशन हमारी चल रही हो हम एकदम से एग्जिट करते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है, फेड इंटरेस्ट रेट की रिपोर्ट आने वाली है, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन विल बी रिलीज एट 6 PM इंडिया टाइम के हिसाब से 11:30 बजे ऑन 26 जुलाई, वॉलेटिलिटी इन क्रिप्टो मार्केट कैन बी एक्सपेक्टेड। मेरे को और मयूर को डबल डबल कमाई होने वाली थी, जितने मिल रहे थे हमने एग्जिट कर दी अपनी पोजीशन, वो वॉलेटिलिटी आई ही नहीं। मयूर कहता फेड ये इसने डेल्टा ने पहले रिलीज कर दिया कि फेड की वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है, एक छोटी सी रिपोर्ट जबकि हर महीने निकलती, तो मयूर मुझे उससे पहले बता देता है, मतलब हमारे उसके ग्रुप में ये मयूर का काम है कि जब हम क्रिप्टोस के अंदर वो कर रहे हो तो मयूर अमेरिकन बैंकों पे नज़र रखता है कि वो क्या रिपोर्ट निकालने वाले हैं। फेड की रिपोर्ट की जिम्मेदारी मयूर की होती है हमारे ग्रुप में, कि मयूर बता देता है कि सर 4 दिन के बाद फेड की रिपोर्ट आने वाली है, तो जितना प्रॉफिट मिल रहा हो सबको एग्जिट करवा देना और अपना भी लेकर निकल लेना। ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के साथ होता है। इंडिया में जब ये आपको पता है एक ही दिन वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बताओ कौन से दिन मयूर, मैंने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी पढ़ाया था बजट के अंदर और लाइव दिखाया था ना मैंने आपको कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, हजार हजार पॉइंट की मूवमेंट देता बैंक निफ्टी। ठीक है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, आप रीजन लिख सकते हो, मतलब मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैं कोई ट्रेडिंग मार्केट का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, वॉलेटिलिटी एकदम से आ सकती है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए फेज्ड मैनर में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाती हैं, क्योंकि देश रेडी होना चाहिए ना, आरबीआई सेंट्रल बैंक को पता है, हमारे देश में आरबीआई को पता है। ओके उसके बाद
एज पर आरबीआई, अब आरबीआई ने, अब जैसे बाहर से इंस्पिरेशन ली, अब आरबीआई हमारे देश में क्या करेगा, हम यहाँ से आरबीआई का गेम शुरू, ये मैं सर्कल बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी हमारे देश की बातें शुरू। बेसल थ्री नॉर्म्स आरबीआई ने बोला इस बार सभी कमर्शियल बैंकों को अपनाने पड़ेंगे, चाहे वो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो चाहे वो नॉन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी तक बेसल वन के अंदर किसको अपनाने को कहा गया था, बेसल टू में, बेसल थ्री कैसे अलग है, ऑल कमर्शियल बैंक बोथ स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड। आरबीआई ने लेकिन एक विंडो दे दी कि फेज मैनर में इसकी इंप्लीमेंटेशन कर लेना, बेसल थ्री की गाइडलाइंस की कमर्शियल बैंकों को बोल दिया सभी प्रकार के। डेडलाइन जो थी ये डेफर करनी पड़ी आरबीआई को बाय 1 अप्रैल 2022, अब जाके इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है फेज्ड मैनर में, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ से चल रहा है। और बहुत बार बेसल मेंबर्स आरबीआई को बोल चुके हैं देखो जल्दी कर लो, आप सबसे पीछे चल रहे हो, मतलब 45 में से आप बहुत पीछे चल रहे हो, लेकिन हम नहीं कर सकते, आरबीआई कभी भी बौखला कर कोई भी डिसीजन नहीं लेता। अब आरबीआई को ये डेडलाइन पूरी करनी थी, और इस पहले तो अपनी देखो आपको पता है कि रेपुटेशन कैसे अच्छी करी थी, 8% की विंडो थी, 8% का बफर था, 9% तक ले गया था, इस बारी 9.5% का है तो कम से कम 10.5% का तो सोच रहा है ना, चलो 9.5 का ही सोच रहा है मान लो, चलो ठीक है एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर सकता तो कम भी ना करें, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस रीज़न की वजह से इस बार ये इसने लपेटे में ले लिया नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को। लेकिन आरबीआई एग्रेसिव नहीं हुआ इस बात के ऊपर बिल्कुल भी, देख रहे हो कब आए ये 2013 में, एक डिकेड पूरा हो गया आरबीआई बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हुआ, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस से तो हम जूझे भी नहीं थे, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में प्रभावित भी नहीं करा था हमें, फेड ने तारीफ करी थी आरबीआई की कि अगर आरबीआई जैसा अगर हमारे पास बैंक होता और मनमोहन सिंह जैसे अगर पर्सन हमारे देश में अगर होते तो हम भी बच जाते इससे। और जब यूएसए की स्टॉक मार्केट गिरी, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ एक बार फिर से, जैसे हमारे यहाँ जब एनएससी और बीएससी है ना उस एरिया को बोला जाता है दलाल स्ट्रीट बॉम्बे के अंदर, ऐसे ही अमेरिका के अंदर जहाँ पर ये अमेरिका का सबसे ये जो स्टॉक एक्सचेंज है नैसडेक वगैरह, इधर ऐसे को बोला जाता है उस एरिया का नाम है वॉल स्ट्रीट, उसके ऊपर लियोनार्डो द कैप्रियो की वो जो टाइटैनिक वाला हीरो उसकी मूवी भी है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, उसने भी सेम मतलब ऐसे ही एक स्टॉकिस को दिखाया हुआ है जिसने ऐसा पूरे उस उधर की स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था जैसा 1990 में इसने करा था, 1992 में हर्षद मेहता ने जैसा करा था, जिसके बाद से भी बनानी पड़ी थी हमें हमारे देश में, उसी साल बन गई थी सेबी, वरना सेबी की बात कोई दूर दूर तक कोई कर भी नहीं रहा था कि कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। सेबी इतनी स्ट्रिक्ट बॉडी है ना कि अगर आप सेबी में अगर कंप्लेन कर दो कि कोई पर्सन फ्री में निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडियन स्टॉक के कॉल्स दे रहा है कि इसको यहाँ बाय कर लो वहाँ बाय कर लो ऐसा कर लो, तो उसके ऊपर तगड़ी पेनल्टी लगा सकता है। तो जो ये बेसल बेसल थ्री जो फ्रेमवर्क है इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इस लाइन को एक बार के लिए अभी आप छोड़ दो, इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बता रहा था। ये जो बेसल थ्री की जो गाइडलाइंस थी इन्होंने कोशिश क्या करी ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, टू ब्रिंग
मोर रेजिलियंट बैंकिंग सिस्टम, चार इंपॉर्टेंट बैंकिंग पैरामीटर्स पर फोकस करते हुए। नंबर वन, कैपिटल। वैसे आप इसको ये भी कह सकते हो, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट या रेशियो, जिसमें आपको पता है कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये CRAR जो है ये अब मेंटेन करना है 9.5% का, राइट। और इसी कैपिटल में फिर और भी बातें आ जाएंगी लाइक दिस, टीयर वन कैपिटल रेशियो 4.5% का, कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% का, काउंटर साइक्लिकल बफर 0 to 2.5%। ये सब कुछ क्या है? कैपिटल की विंडोज तो हैं, दीवारें तो हैं, है ना। दूसरा पिलर, लेवरेज। ये बोला गया लेवरेज रेट जो है, लेवरेज रेट इट शुड बी ऑफ 3%। अब लेवरेज रेट एक्चुअली एक रेशियो होता है बैंक के टीयर वन कैपिटल का टू द एवरेज कंसोलिडेटेड एसेट्स। मतलब इसको इतना टेक्निकल में मत जाओ, ये तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बोला था। अगर इसको आसान भाषा में अंदर मैं आपको समझाऊँ, लेवरेज बेसिकली क्या है कि अभी एक दिक्कत समस्या मैंने आपको हाईलाइट करी थी ना ऊपर, कहाँ गया ये ओवर लेवरेज्ड है ना। 3% तक रखो बस, इट शुड बी एटलीस्ट 3%। और ये 3% कैसे होनी चाहिए? बैंकों के रिस्क वेटेड एसेट्स को देखते हुए कि उन्होंने अभी घुमा कितना पैसा रखा और प्रीवियस लोन जो दे रखे थे अब वो पैसा आना कितना स्टार्ट हो गया है, अब क्या वो देने लायक है कि नहीं है ओवर, मतलब अगेन फॉर नेक्स्ट रेगुलेशन। जो टोटल एसेट्स है बैंकों के पास, मैं बता रहा हूं आराम से बता रहा हूं, जो टोटल एसेट्स है बैंकों के पास, जितना अमाउंट अवेलेबल है लोन में सर्कुलेट करने के लिए, उनमें से बैंकों का टीयर वन कैपिटल कितना है, उस टीयर वन कैपिटल को सर्कुलेट मत करो इतना ज्यादा। तो एक रेट निकला उससे कि 3% जो है ये लेवरेज रेट जो है ये आपको रखना पड़ेगा। और टीयर वन कैपिटल क्या होता है? बैंकों का बेस्ट कैपिटल होता है यहां पर, लेकिन ये बैंकों का टोटल एसेट तो नहीं होता ना, टीयर टू में भी छुपा होता है उनका एसेट, है ना। तो ये लेवरेज कैसे निकलेगा? जो टीयर वन कैपिटल है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बैंक ज्यादातर जो लोन सर्कुलेट करते हैं वो टीयर वन कैपिटल से ही करते हैं अपना? टीयर वन में से जो पैसा लोन के तौर पर दिया जा सकता है उसका 3% निकाल लो और उसको सेफ साइड में रख दो, वो सर्कुलेट मत करना। ये सारी दीवारें क्योंकि वही बन रही हैं कि मतलब पैसा बचाकर रखना है। ऑलरेडी लोन सर्कुलेट है मतलब, हाँ मतलब वही तो, नहीं नहीं ये मतलब हमारे देश की तो बात ही छोड़ दो, इनके यहाँ यही चल रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज के यहाँ सारे लोन इन्होंने वो कर रखे थे। तो उसके बाद ये बोल दिया कि अब से जो करोगे अब तुम्हें याद रखना कि 9.5% अपने पास बचा कर रखना है।
हमारा रूल क्या होता है मयूर, कोई भी जैसे बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम क्या पूरा पैसा लगा देते हैं किसी भी पोजिशन के अंदर? हम बचा कर रखते हैं ना कि नहीं रखते हैं? और हमारा भी लगभग इतना ही होता है, 5 से 7%, 10% जो हम अलग से रखते हैं बचाकर, कितना तो रखो ही रखो अलग से वॉलेट में, ऐसे ही इनको बोला जा रहा है। 100% कैपिटल किसी भी चीज में डिफ्यूज मत करो, इन्होंने बोला, मतलब इसमें ये बोला गया बैंकों को। हाँ, उसके बाद जो ये है ना तीसरा चौथा पिलर, ये कंबाइंड फॉर्म में यूज करा जाता है, फंडिंग प्लस लिक्विडिटी। एंड ये बहुत गलत बात है कि इसने ये चारों पैरामीटर्स के बारे में जिक्र तक नहीं कर रखा है कहीं पर भी। कि बेसल थ्री में बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि दे आर सफरिंग फ्रॉम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, है ना, फर्दर रिस्क जो है वो अगर हो गया तो वो बैंक्स आर इनसफिशिएंट। तो वो चार जो बैंकिंग पैरामीटर्स बताएगा वो ये बताएगा कि बैंक अपना एक तो अच्छा खासा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा बढ़ा लें, जिसके अंदर वो टीयर वन भी बढ़ा लें, अपना जो साइक्लिकल कैपिटल बफर है उसको बढ़ा लें, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को बढ़ा लें, लेवरेज को बढ़ा लें, फंडिंग को बढ़ा लें, और जो फंडिंग को बढ़ाने के लिए भी, फंडिंग की बात बताता हूं मैं, फंडिंग और लिक्विडिटी पर भी ध्यान दें। अब इसको देखने के लिए, लिक्विडिटी और फंडिंग को देखने के लिए दो तरह के रेशियोज निकाले गए। जो फंडिंग के लिए जो रेशियो था उसका नाम निकल कर आया नेट स्टेबल फंड्स रेट। जो लिक्विडिटी के लिए जो रेशियो था उसका नाम तो आप जानते ही हो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो हमारा यहां पर ये टॉपिक पूरा का पूरा अलग से। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि नेट स्टेबल फंड्स रेट के बारे में ये नितिन सिंघानिया ने कुछ भी दे नहीं रखा है। नेट स्टेबल फंड्स रेट, बैंक्स को ये बोला गया कि आपको एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल अपनी बनानी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने बैलेंस शीट्स में इसको दिखाना पड़ेगा, जिसको आप नाम दोगे नेट स्टेबल फंड्स रेट। अब नेट स्टेबल फंड रेट में एक इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई, बैंकों को जो अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज चलानी है उसके लिए बैंकों को जो भी फंड चाहिए, बैंक अपनी एक्टिविटीज को, अपने आप को रेगुलेशन के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जो भी पैसा यूज करें वो किसी ना किसी स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस से आना चाहिए। इसलिए इसका नाम है नेट स्टेबल फंड रेट। अब ऐसे जो स्टेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से बैंक अपनी जो एक्टिविटीज डे टू डे कैरी आउट करेंगे, मतलब बैंक ऐसे ढूंढ लें अपने हिसाब से कि क्या उनके स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, कि इतना पैसा तो आ ही जाता है, इतना मिनिमम पैसा तो आ ही जाएगा, बस अगर ये बैंकों को पता लगे कि ये आ ही जा रहा है, ये आ ही जाएगा, वो होगा उनका स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। और ये मेंटेन करना होगा बैंकों को कब तक? लंबे समय के लिए, ओवर 1 ईयर होराइजन। अब आप ऐसा मत सोचना कि जब से
आरबीआई ने इसको एक्सेप्ट करा था क्या, तब से एक साल की बात हो रही है? नहीं, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बैंक एक साल तक अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज को एक स्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस से चला लेगा तो उसकी पोजीशन काफी बेटर हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। ये है एक साल का मतलब। अब वो एक 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 एक, एक साल करके ऐसे बहुत सारे साल क्रिएट कर सकता है, वो और रिलायबल और ट्रस्टवर्दी और एफिशिएंट और सक्षम हो जाएगा वो। और यहां पर एक जो कंडीशन रखी गई वो ये रखी गई, जो मिनिमम सुनना, मिनिमम मिनिमम नेट स्टेबल फंड रेट जो होगा, अब नेट स्टेबल फंड रेट कंफ्यूज मत होना, ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो कि स्टेबल हो जिससे बैंकों की एक्टिविटीज चल सके, उस पूरे सिनेरियो, उस पूरे एक आइडिया को कहा जा रहा है नेट स्टेबल फंड रेट। मिनिमम जो ये बैंकों को मेंटेन करके रखना है, जिसकी ड्यूरेशन एक साल की होगी, वो कितनी होगी? ऐसे स्टेबल सोर्सेज थे जो तुम अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज फाइनेंस करोगे, इसका रेट कितना होना चाहिए मिनिमम एक साल तक? 100%। ताकि तुम अपने शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को या बाकी सारी चीजों को रेजिलियंट एंड स्टेबल बना सको, बैंक बना सके, मतलब इसलिए बोला गया। याद है बस समझ में ही? अब इसी के साथ एक दूसरा रेशियो जो है उसको कवर कर लेते हैं। लिक्विडिटी के लिए कौन सा रेशियो बोला गया? अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, राइट? तो लिक्विडिटी के लिए जो रेशियो आया वो क्या था? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसको जानते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक रिक्वायरमेंट है बेसल थ्री नॉर्म्स के अंतर्गत, जहां पर जो है बैंक्स दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एन अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ताकि बैंकों का जो भी खर्चा हो रहा है, भले उनके पास पीछे से इनकम नहीं आ रही है, वो पैसा इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर हो कि उनका 30 दिन का खर्चा निकाल सके। तो डिफरेंस क्या हुआ नेट स्टेबल फंड रेट में और हाई कवरेज रेशियो में? ये कब तक चला, ये कब तक चलेगा? एक साल तक। ये कब तक चलेगा? 30 दिनों के लिए। अब ये 30 डेज जो है ना, पूरा यहां पर लिख लो, दैट इज सफिशिएंट टू फंड कैश आउटफ्लोज फॉर 30 डेज। क्या 30 डेज? क्या 30 डेज स्ट्रेस्ड सिनेरियो ऑफ बैंक्स, पीछे से कोई आमदनी नहीं आ रही है और बैंकों के ऐसे डिस्ट्रेस्ड हो गए हैं, 30 दिन के लिए एटलीस्ट उनको मैनेज करा जाए, इतना बैंकों के पास एक हाई लिक्विड, हाई क्वालिटी के लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। एंड इसका जो एम था वो क्यों था ये भी देख लो, 30 दिन एक बहुत छोटा पीरियड होता है ना, इसको लाने का एम था टू डील विद एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस्ड सिनेरियो ऑफ बैंक्स, एक्यूट शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर एक ये एसेट्स स्ट्रेस एसेट्स हो गए हैं और भयंकर लेवल से।
हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। क्या है? नहीं नहीं अभी बता रहा हूँ अभी। अच्छा ये अभी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होता है अभी बता रहा हूँ क्या होते हैं। आप बस ऐसा समझ जाओ कि मतलब ये एकदम से पैसा देकर बैंकों को बचा लेंगे 30 दिन के लिए, तो उनकी जो नाक है जो इज्जत है वो बचा लेंगे, ये वो एसेट्स हैं। अब जैसे आप कभी भी ना शेयर होल्डर सिक्योरिटी को आप हाई लिक्विड एसेट्स नहीं बोल सकते, लिक्विड एसेट भी नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ रही तो चलो ठीक है फिर आप निकाल लोगे, लेकिन फिर भी ना लिक्विड एसेट्स हम लोग शेयर को बोलते नहीं है। पता है क्यों? देखो बेचकर आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लॉस में जा रहे हो जितना आपने पैसा लगाया था, अगर वो अभी उतना नहीं जा रहा, या इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया, या चलो वो ऊपर भी बढ़ रहा है लेकिन अभी आपको उम्मीद है कि और सारी चीजें ऐसी होने वाली जिससे और ऊपर जा सकता है, जिसमें आपके हाथ कप कपाए या आपका मन ना हो निकालने का, या आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल से ना निकालो, तो वो चीज हाई लिक्विड कभी भी कैसे हो सकती है, या लिक्विड कैसे हो सकती है बताओ। अब आपको कोई चेक दे रहा है, चेक प्रॉमिसरी नोट, आप उसको लेना ज्यादा पसंद करोगे या फिर 500 के नोटों को? सेम अमाउंट दे रहा है मतलब वो, बताओ नोट्स क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर क्या है कि चेक को जाकर यार मैं रख भी नहीं सकती, रख भी नहीं सकता, और बैंकों में जाके फटाफट इसको लगाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, है ना? पैसे रखे रहो, जब भी जरूरत है वो कर दो, दे दो किसी को, पैसों की नीड होगी जरूरी है, आप अगर उसके हाथ में चेक थमाओ तो जाकर पर्सन को एक्सेप्ट ही कर ले। आप लोग मान लो कि अपने मकान मालिक को जो पैसा है वो फोन पे या ऑनलाइन या बैंकों में या कैसे भी करके देते हो, कैश देते हो, आप अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर देते हो, चेक बनवाकर देते हो, जरूरी है वो ले लेगा? बताओ, आपको हम पूरा दे रहे हैं, 1000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं तुम्हें, और बताओ ले लेगा? जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। इन अदर वर्ड्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, बैंकों के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नेट कैश फ्लो अमाउंट। ये इंश्योर करने के लिए कि वो अपनी शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या जो भी डिस्ट्रप्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको एक अच्छी टर्म दी, एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस सिनेरियो ऑफ बैंक्स, उससे डील कर सके वो। अब यहां पर ये टर्म का मतलब क्या है? टोटल नेट कैश फ्लो अमाउंट, कोई भी ऐसा पैसा जिसको कन्वर्ट करवाने की नीड ना हो, वो ऑलरेडी कैश फॉर्मेट के अंदर पड़ा हो बैंकों के पास, इसलिए बोले जा रहे ऐसे एसेट्स दैट आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश दैट आर हाईली लिक्विड। अब चलो समझ लेते हैं इस बात को कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLA क्या होते हैं। किसी भी एसेट को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स तब कंसिडर करा जाता है इफ दे कैन बी इजिली एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश एट लिटिल और नो लॉस ऑफ वैल्यू। अब समझ गए मैंने क्यों शेयर होल्डर्स की इक्विटी या बैंकों की इक्विटी या शेयर्स को मैंने क्यों हटा दिया इस सिनेरियो से? अभी मैंने आपको बोला ना कि मतलब उसके अंदर कोई लॉस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब आपका आपने यहाँ पे शेयर लिया, अब वो 6 महीने के बाद बढ़ने वाला, आपकी पोजीशन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी आपको वो लॉस दिखा रहा है कुछ टाइम के लिए, आप उसको लिक्विड एसेट बोलोगे कि नहीं जी हमने तो 5000 रुपये लगाए थे, 200 रुपये के लॉस में हमने इसको निकाल लिया, वो लिक्विड एसेट है क्या? आपको लो मेरी बैंकिंग एप्लीकेशन देखो कितनी अच्छी है कि 24 घंटे के अंदर 5 मिनट के अंदर देखो विड्रॉ आ जाते हैं, भले मैंने लॉस पे भेज दिया उसको, वो लिक्विड एसेट नहीं है क्योंकि आपने इसको लॉस पे बेचा है। वो बिल्कुल उसी रेट पर या तो आपको मिल जाए या प्रॉफिटेबल रेट पर मिले, तब आप ऐसे कहोगे। लेकिन शेयर होल्ड शेयर या इक्विटी वाली जो चीज होती है वो आती ही नहीं इस डेफिनेशन के अंदर, तो हम क्यों उसके बारे में फालतू की डिस्कशन करें? द लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट डिपेंड्स ऑन द
अंडरलाइंग स्ट्रेस सिनेरियो। द वॉल्यूम टू बी मोनेटाइज एंड द टाइम फ्रेम कंसिडर, तब वो देखा जाता है कि कौन से एसेट की बात चल रही है, कि किसको बेचकर फटाफट से कैश मिल सकता है। जैसे मुझे क्या बताओ, क्या गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विड है? नहीं, वैसे तो कैश होता है अल्टीमेटली। देखो अब देखो, कैश थोड़ा सा एक नॉनसेंस चीज हो जाती है ना, कि यार कैश को हाईली लिक्विड बोलना, कि कैश तो कैश ही है भाई। अगर हाँ ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर चलो नंबर वन कैश होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। चलो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हटा देते हैं अपने, अब बताओ उसके बाद नंबर टू गोल्ड है ना, डायमंड से ज्यादा बेटर है गोल्ड के? नहीं बताओ, डायमंड की वैल्यू नहीं बढ़ती, आपको पता है वाली बात? सारे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, आप एक नोज पिन पहन लो, ईयर रिंग पहन लो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप 1.5 करोड़ का डायमंड ले आओ, जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू बढ़े बल्कि गिर जाए। प्लेटिनम की वैल्यू जरूरी नहीं है बढ़े, जबकि गोल्ड से भी काफी महंगा होता है प्लेटिनम। हाँ, गोल्ड के बाद प्रॉपर्टी को बोल सकता हूं मैं लिक्विड एसेट। आईफोन को आईफोन नहीं होता, फोन नहीं होते, कार नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप इनको शोरूम से बाहर लेकर निकलते हो बिलिंग करवाने के बाद, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। सिर्फ एक आईफोन ऐसा है जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जो टेक्निकल गुरुजी के पास है, गोल्ड का आईफोन 58 लाख का। आपको एक बात बताऊं मैं हाईली लिक्विड एसेट के बारे में, एक बात बताऊं, जैसे आप लोगों ने पुरानी पिक्चर में अक्सर एक चीज नोटिस करी है, कि जब लोगों के पास 5 स्टार में खाना वाना वो खाने जा रहे हैं, पैसे नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो अक्सर आपने पिक्चरों में 99% केसेस में ऐसा देखा होगा कि लोग क्या अपनी घड़ी उतार के देते रहे, है ना, हम पैसा दे जाएंगे और ये घड़ी दे जाएंगे, ये देख इसकी है, ऐसी है, वैसी है। एक्चुअली क्या, वो पिक्चरों में दिखा तो दिया जाता था, ये वाला केस ना, अब ब्रांड आप सारी जानते नहीं होंगे, तो मैं आपसे एक जो सुनी सुनाई ब्रांड है मैं आपसे उसकी बात कर लेता हूँ। रोलेक्स का नाम तो आप सबने सुना होगा, एक रोलेक्स है और उसी के टक्कर में एक ब्रांड है ज्यूलेसे नार्डन, ठीक है। ज्यूलेसे नार्डन की घड़ी के बारे में आपको एक दिन मैंने बताया था, शायद वो आपकी जो नस होती है उससे चलना स्टार्ट होती है वो। रोलेक्स एक्चुअली पता है आपको, आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी एक लिक्विड एसेट होता है। रोलेक्स के अंदर जो हीरे और जो सोना जो जड़ा रहता है, जो रोलेक्स आप 2023 में जो खरीदोगे ना, अगर आप 2030 में उसको बेचोगे तो वो महंगी बिकेगी, आपको पता है वो वाला डिश। 2030 में खरीदोगे वो महंगा बिकेगा 2035 में। जैसे जैसे गोल्ड और डायमंड के रेट बढ़ेंगे, तो आपकी रोलेक्स जो कितनी भी पुरानी हो, लेकिन वो सोने की कीमत और डायमंड की कीमत के हिसाब से वो महंगी ही बिकेगी। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल लुक की, विंटेज लुक की जो रोलेक्स लोग पहनते हैं, तो वो एक प्रकार से उनके हाथ में एक लंबे समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। वो उनके लिए कहती चीज है कि जैसे उन्होंने 2 से 4 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए अपने शेयर्स में डालकर रख दिए और 10 साल के लिए उसको भूल गए। अब अगर ऐसी घड़ी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब मुझे बता दो, क्या आप इसको लिक्विड एसेट कहोगे? मैं हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ अभी मुंह से बोला लिक्विड एसेट, हाई क्वालिटी के शब्द का मैंने यूज ही नहीं करा। लिक्विड एसेट है ये कि नहीं है बताओ? बिल्कुल है, यानी कि कोई भी चीज जो हाई क्वालिटी की लिक्विड एसेट होती है, जो वो कैसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको लेने के बाद आपको कैश देने के लिए 1% भी ना सोचे। सुनार के पास आप जाते हो, वो बस हल्का फुल्का वजन करता है और इसके बाद एक पत्थर होता है जिसमें वो घिस के देखता है कि असली सोना है कि नकली सोना है, क्या है, है ना, और जो भी उसकी कीमत चल रही होती है उसके हिसाब से वो आपको पैसे दे देता है। ऐसे ही होता है,
तो फॉलोइंग एसिड्स कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ लिक्विड एसिड्स विदाउट एनी लिमिट. अब क्या क्या चीजें होती है बैंकों की डेफिनेशन के हिसाब से हम देख तो ले ये हाई क्वालिटी के लिक्विड एसिड्स क्या है. एक तो बैंकों के पास जो कैश रिजर्व पड़ा हुआ है CRR के अलावा, क्योंकि CRR उन्होंने किसको कैश दे रखा है कुछ टाइम के लिए, वेरी गुड RBI, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों के पास पड़ी हुई हैं, बस SLR के अलावा, क्योंकि SLR खुद के पास तो है लेकिन इसको घुमा सकते हैं लोग, सर्कुलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, नहीं, क्योंकि किसने मना कर रखा है, RBI. उसके बाद विद इन द मैंडेटरी SLR रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट अलाउड बाय RBI अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. जब RBI, मतलब अगला जो सेकंड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट से डिराइव्ड एक पॉइंट है कि कभी कभार किसी SLR की रिक्वायरमेंट में RBI बोलते कि इतना पैसा तो हम यूज कर लो, कोई बात नहीं, MSF की विंडो लगाकर. हालांकि हमने तुम्हें बोल रखा है कि तुम्हारे ही, मतलब ये तुम्हारे पास पैसा पाक रहना चाहिए, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन चलो तुम इतना पैसा निकाल लेना इसमें से. उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच आर इशूड और गारंटीड बाय फॉरेन सॉवरेन. अब ये फॉरेन सॉवरेन कुछ नहीं होता, फॉरेन गवर्नमेंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस, जो कि इनके पास पार्क्ड पड़ी हुई है बैंकों के पास, किसी और सरकार की, देशों की वो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि हमारे देश की होती है वैसे उनकी भी हैं, लेकिन वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है कि वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्ट कर उनके अंदर बाइंग सेलिंग करी जा सकती है. ठीक है, और उसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच होती हैं. अब ये सारी जो चीजें होती हैं, बस फोर्थ पॉइंट को समझने की कोशिश मत करना, हम लोग यहां पर CA का पेपर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब आप ऐसा समझो कि जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि हम जैसे ट्रेड कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के शेयर में, फेसबुक के शेयर में, गूगल के शेयर में, यूजिंग इंडियन मनी लेकिन ऑन सम फॉरेन ट्रेडिंग ऐप, तो वो होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. और ये भी हो सकता है कि इंडियन ऐप्स पे वो जो सिक्योरिटीज है वो लिस्ट कर दी जाए फॉर ट्रेडिंग. ये भी हो सकता है कि जनता के लिए ऑक्शनिंग के लिए उसको यूज ना करके RBI यूज करवा ले उसको अपने कौन से पोर्टल पर. श्रेया शाबाश, इकोबेर जनता के लिए होता है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं मैं इकोबेर पर. ना ही पकड़े जा रहे तो पकड़े जाए. तो मैथमेटिकली अगर इसकी कैलकुलेशन को देखें कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होती है. हाँ, किसी को कुछ पूछना है अभी तक यहां तक. फोर्थ पॉइंट को प्लीज समझने की कृपया कोशिश ना करें प्लीज, क्योंकि वो मैं इसमें बस आपको इतना बता सकता हूँ, ये टेक्निकल चीज है जो कि आपको कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, यहाँ पर बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आने वाली है और इसकी डिस्कशन बहुत लंबी है. वो ये इतनी है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज कर रखी है, वो हमारी ट्रेडिंग के लिए होती हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं इन सेकेंडरी मार्केट. ऐसी सिमिलर प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको हमारे देश के बैंकों ने या हमारे देश के सरकारों ने यूज रिलीज नहीं करा है,
वो फॉरेन गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज हैं लेकिन हमारे देश के मार्केट में ट्रेड हो रही है, बस इतना समझ जाओ। डेट आर इशूड और गारंटीड बाय फॉरेन सॉवरेन, जिसका मतलब होता है फॉरेन गवर्नमेंट्स, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। अब ये चीज फेमस है ही नहीं, प्रचलित है ही नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में क्या बता दूं। ऐसा लिक्विड एसिड यूज ही नहीं होता है, ये तो बस बोल रखा है ना। एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कहोगे सर फिर क्यों बोल रखा है, अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना ट्रैक से मत भटको आप लोग। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हमारा प्लेन चाइल्ड थोड़ी ना है, ये तो बेसिल का नॉर्म है ना, उससे उसको क्यों भूल जा रहे हो। वो तो वो कह रहे करने के लिए, हमारे देश में ये वाला हम यूज ही नहीं करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट की मार्केट सिक्योरिटीज को। कहाँ यूज, कौन सी ऐप है मयूर जो हमें नेटफ्लिक्स और ये फेसबुक पे लगाने देती है, शेयर पे पैसा, बताना जरा कौन सी ऐप है। कभी सुना है कि मैंने नेटफ्लिक्स के शेयर खरीद रखे हैं इतने मैं कमा रहा हूं किसी इंडियन ऐप पे? हाँ वैसे नहीं है ना, इस हम लोग ऑप्शंस वगैरह कर सकते हैं उसके अंदर, बताओ। तो ये चीज इसलिए मैं शायद नहीं बताना चाहता, यूज ही नहीं होती हमारे देश के अंदर। वो तो वो कह रहा है एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कि ये सारे होते हैं हाईली लिक्विड एसेट, वो अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि होते हैं। हमारे देश में बाकी तीन यूज होते हैं, हम ये चौथा यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए कंडीशन जो है हम अगर उनके सामने फॉरेन सॉवरेन के सामने फॉरेन गवर्नमेंट के सामने रखेंगे समझौता ही नहीं बैठेगा अच्छे तरीके से, और आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ये गारंटी यहां पर ये लिखी जाती गारंटीड बाय, बस अगर ये बोलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो समझ में आ जाता, वो तो फिर ऊपर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई। आपने कभी सुना है कि बैंकों के पास फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, जिसको आरबीआई खरीद बेच रहा है सरकार को लोन देने के लिए? मतलब सोच के देखो श्रेया, दूसरे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, मोदी सरकार के पास पैसा जा रहा है और आरबीआई बैंकों को बोल रहा है कि तुम ये खरीद लो, और उन बैंकों ने बोला हमारी सिक्योरिटीज कहां गई वो तो जी पता नहीं, तो हमारा पैसा वो एंजॉय हो रहा है कैसे? मोदी जी अभी आपके देश में प्लेन से आए, पेट्रोल का खर्चा कितना बाप देगा, है ना? याद है ना वो वेलकम कर लोग, कह रहा बाइक कुछ चल के आए गाड़ी में तो 2 करोड़ का पेट्रोल जो लगाया उसका खर्चा कितना बाप देगा, कह रहा मतलब अच्छा हो भाई, भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया वरना छे कोके हो जाता, कुछ ऐसी बात हो जाएगी यहाँ पर फिर। क्या आप ही ने तो बुलाया था यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री को, आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज को ही रखकर आए हैं वो आरबीआई के पास गिरवी, वरना प्लेन हवा में ही अटका हुआ था, फ्यूल ही नहीं भर रहा था उसके अंदर। तो इसलिए हम ये तिगड़म के अंदर फंसते नहीं है, मतलब ये हमारी बात नहीं कर रहा, मतलब हमारे देश की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इन तिगड़म को यूज नहीं कर रखा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और आपका फेसबुक जो है, अब ये तीनों मिलकर एक चीज़ बन चुकी है, क्या कहते हैं हम इसको, मेटा, है ना? इसके लिए इन कंपनीज ने बहुत बोला कि हमारा भी अपने शेयर मार्केट के अंदर लॉन्च करवा दो, वो करवा दो, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, लेकिन फिर एक जिद हमारी भी है ना, हमारा स्टॉक मार्केट भाई दुनिया के 5 बेस्ट स्टॉक मार्केट में से आता है, और अभी हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना पैसा लगाते हैं। हम नहीं कहेंगे फिर हमारी कंपनी वगैरह लिस्ट करवा दो अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, वो मानेंगे ही नहीं, हम भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है वो क्या होता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश फ्लोस। ठीक है, जितना पैसा फ्लो हो सकता है उस पैसे में से कितना आपके पास ऐसा पैसा है या ऐसे एसेट्स हैं विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। मैंने ऐसा क्यों कहा कि कितना पैसा, बिकॉज सबसे पहला पॉइंट तो यही है, कैश इंक्लूडिंग कैश रिजर्व्स, बस जो मनी आरबीआई के पास CRR के अंतर्गत पार्क ना हो और आपके खुद के पास SLR के अंतर्गत आपको उसको ना रखना हो, उसके अलावा जो भी आपका पैसा है वो आपका हाईली लिक्विड एसेट है, हाई क्वालिटी का लिक्विड एसेट है। अब लेकिन यहां पर ना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को जब हम लोग श्रेया अर्पित भारत में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना, एक चीज अड़ंगा पैदा करती है थोड़ा सा,
जो कि कंफ्यूजन पैदा करती थी, लेकिन आरबीआई ने इसका सॉल्यूशन एक हल निकाल लिया एक चीज बोलकर। पहले जानते हैं कि अड़ंगा क्या है। अड़ंगा ये आपको पता है, ये जो पहले पॉइंट के बारे में बात हो रही है कैश रिजर्व इन एक्सेस ऑफ सीआरआर या दूसरा पॉइंट के एसएलआर के अलावा जो भी कैश रिजर्व है, एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 भारत के अंदर जो भी बैंक्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड लिक्विड एसेट्स, वो लिक्विड एसेट्स को मेंटेन कर वो होल्ड करते हैं एसएलआर को मेंटेन करने के लिए। अब खुद से तो करते नहीं है, आरबीआई ने तो शिकंजा कस रखा है उनके ऊपर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब समस्या ये थी कि अगर हम जो लिक्विड एसेट्स हैं एसएलआर के अंदर जो बैंक होल्ड कर रहे हैं, अगर हम उसको हाई क्वालिटी का लिक्विड एसेट मानने लग ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मानने लग जाएंगे, तो फिर एसएलआर और एचक्यूएल में डिफरेंस क्या हुआ फिर? आरबीआई बोलता है कि ये जो आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है जिसके अंतर्गत आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या जिसको आप हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कह रहे हो, दे आर लार्जली वन एंड द सेम थिंग। ये चीज याद रखना। क्योंकि तो बैंकों को पता क्या लगा मयूर, बैंकों को ये लगा ये पैसा साइड करवा रहे हो वो पैसा साइड करवा रहे हो, सीआरआर लेते ही हो एसएलआर लेते ही रखवाई देते हो, उसके अलावा बेसल के नॉर्म्स के अंतर्गत पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आ गए, तो सारा सर्कुलेट करे तो क्या करें? तो आरबीआई बोलता है डोंट वरी, ये जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट जो है ये तुम्हारा एसएलआर ही है, हमारे देश में इसको एसएलआर ही कहते हैं। ठीक है, नहीं इसमें से बस ये बोल दिया गया कि वो तुम्हारा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट ही है। इसमें से आपको पता है ना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत आरबीआई बोल देता है कि कभी कभार कुछ कुछ एसएलआर की रिक्वायरमेंट से कुछ बाहर पैसा निकाल लो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। जब बैंकों की प्रोविजनिंग अच्छी चल रही होती है तो प्रोविजन के अनुसार वो बोल देते हैं ना कि आप कोई बात नहीं एसएलआर रिक्वायरमेंट जितनी आपकी है उसमें तो कुछ आप पैसा निकाल लो। यही तो मैं पॉइंट आपको समझा रहा था सेकंड और थर्ड में डिफरेंस, कि कुछ जो है एसएलआर रिक्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं निकाल सकते और कुछ एसएलआर जो है उसके अंतर्गत निकाल सकते हो आप कुछ कुछ पैसा अपना, वो आरबीआई लेकिन अलाउ करेगा आपको बैंकों को मतलब। तो इसके अंतर्गत आरबीआई अलाउड बैंक्स टू यूज अ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज फॉर बींग कंसिडर्ड एज एचक्यूएल। आप समझ गए, देख रहे हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के अंदर रेशियो के अंदर सॉरी जो सिक्योरिटीज हैं आरबीआई ने बोला कि आप कुछ जो सिक्योरिटीज हैं आप उनको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के तौर पर यूज कर सकते हो। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एचक्यूएलए फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो सो डैट द नीड टू मेंटेन द लिक्विड एसेट्स फॉर बोथ द रिक्वायरमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड। यानी कि अब आरबीआई क्या विंडो देने लगा है कि जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इनमें से इसका कुछ एसेट किसकी फॉर्मेट के अंदर, सिक्योरिटीज की फॉर्मेट के अंदर आप कैसे कंसिडर कर सकते हो एस हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, लेकिन वो तब जब जरूरत आ पड़े तब निकालो उसको। हाँ, ओनली सिक्योरिटीज। अब वो सोचे भाव पैसे निकाल लेते हैं पूरा पूरा। हाँ तो सिक्योरिटी, ओनली सिक्योरिटीज, फिर से पढ़ा देता हूं, देखो एक बार के लिए इसको फिर से समझो, इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, एक बार में समझ में नहीं आता कभी कभार। मुझे तो जब ये टॉपिक समझ में नहीं आते थे मैं एक एक साल के लिए इनको छोड़ देता था, एंड में करूंगा एग्जाम जब आएंगे तब किसी यूट्यूब की वीडियो को देखकर। टाइम लगता है क्योंकि खुद से समझने, लेकिन खुद से समझने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी समझ आप डेवलप करोगे उससे ज्यादा समझ मैं आपको देने के लिए बैठा हूँ। समझते हैं इस चीज़ को, आराम से इसको रिवाइज करना इस क्लास के बाद, तो और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार अगर हो सके तो एक दो बार रफ कॉपी पर लिख कर देख लेना इन सब चीज़ों को, जितना भी हमने 5-6 पेजेस जो आप ऐसा मान लो कि एनपीए का टॉपिक और बेसल नॉर्म्स का टॉपिक आप 2-3 बार लिख कर देख लेना बस, सौ बातों की। तो एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 भारत के अंदर बैंकों को ये बोला जाता है कि
कि आप जो लिक्विड एसिड जो होल्ड करके रखोगे वो SLR के अंतर्गत करके रखोगे। हम अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से वाकिफ नहीं रखते हैं। हमारे देश में एक समस्या ये है कि हमारे देश में लिक्विड एसेट्स को SLR के अंतर्गत RBI रखने को बोलता है, ये थी समस्या। तो फिर हम LCR बैंकों का निकाले कैसे? अब बैंकों ने पूछा RBI से, भाई कैसे निकालें, क्योंकि जो आप हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट कह रहे हो, हमने पूरी इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, सर जी ये तो वही है जो आप SLR के अंतर्गत हमें रखवाते हो। तो बैंक तो RBI ने बोला ठीक है, मैं समझ गया कि जो लिक्विड एसेट्स हमारे देश के अंदर होते हैं मैं आप लोगों को उसे SLR के अंतर्गत रखने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जो आपका SLR है और हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट जो है वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंतर्गत अगर आप देखो तो वो सेम ही है, RBI ने बोल दिया। तो बैंकों ने कहा सर जी करना क्या है? तो RBI ने बैंकों के अलाउ करा कि आप जो अपना SLR जो मेंटेन करके रखते हो, SLR के अंतर्गत जो आपकी कुछ सिक्योरिटीज हैं, आप उनका कुछ अमाउंट, कुछ प्रपोर्शन यूज कर सकते हो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के लिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि आपका ये जो न्यूमरेटर है ना ये आ जाए। LCR को निकालने के लिए ये न्यूमरेटर तो चाहिए ना। बैंकों को देखो ये तो पता है कि उनका टोटल नेट कैश फ्लो कितना है, बैंकों को कंफ्यूजन आ रही थी भारत के अंदर कि सर जी ये कैसे निकालना है। आप कह रहे हो अगले क्वार्टर से पहले ये रिपोर्ट चाहिए मुझे, LCR चाहिए तुम लोग का। तो बैंक गए सारे के सारे RBI के पास, सर ये क्या है, ये तो SLR जैसा लग रहा है हमें। तो बैंकों ने बोला हाँ ये आपका SLR ही है, उस SLR में से कुछ सिक्योरिटीज को आप देखो और उनको ट्रीट करो एज SQL है, ताकि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को निकालने के लिए जो लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने की जो नीड है और SLR जो है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करी जा सके, SLR भी अफेक्ट ना हो और SLR में से एक पोर्शन निकालकर, सिक्योरिटीज निकालकर, सारी की सारी भी नहीं, कुछ जिनको आप यूज कर सकते हो विच कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश। और किस लिए ये मत भूलना, एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस सिनेरियो अगर आपका हो उसको डील करने के लिए तब निकालना, तो वो आपका बन जाएगा SQL। अब बैंकों ने बोला कि सर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को निकालने के लिए हम एक बार के लिए क्या पूरे का पूरा SLR आपको, मतलब जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जो कि आप हमें अपने पास रखने को बोलते हो, जो पैसा जिसके अंदर सिक्योरिटीज भी होती है, कैश भी होता है, गोल्ड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इसका टोटल यूज़ करके आपको ये LCR का फॉर्मूला निकाल के दे दें? तो RBI ने बोला कि जो आपका टोटल SLR होता है जिसके अंतर्गत आपके हर प्रकार के एसेट्स आते हैं, सिक्योरिटीज़, आपका कैश रिजर्व, आपका गोल्ड, जो भी आपको अपने पास खुद के पास रखना होता है जिसको आप लोन के तौर पर सर्कुलेट नहीं कर सकते हो, RBI ने परमिशन दी बैंकों को, यस आप इस पूरे के पूरे SLR एलिजिबल एसेट्स को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की तरह ट्रीट करो और इससे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मूला है, आप निकाल के दे दो। तो एज पर द इनिशियल RBI डायरेक्टिव, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन LCR ऑफ 100% विद देम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2019। LCR याद रखना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं, मतलब ये जो निकलेगा ना जितना भी निकल कर आएगा, तो RBI ने बोला इसका 100% अपने पास मेंटेन करके रखना, टोटल नेट कैश फ्लो जो आपका होगा जिसको आप सर्कुलेट करते हो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, स्ट्रेस एसेट्स को डील करने के लिए, उसमें से जो आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है उसको डिवाइड करके जो ये नंबर आएगा अलग अलग बैंकों का, इसकी कोशिश करना कि आप हमेशा 100% इसको मेंटेन करके चलो, इस नंबर को जो भी आपका अलग अलग बैंकों का जो अलग अलग रेशियो ये जो नंबर निकल कर आएगा, ये बोला। अभी 100% वाली बात मैंने आपको एक और जगह बताई थी अगर आपको याद हो, कि ये भी 100% मेंटेन करके रखना है, क्या था वो, ये नेट स्टेबल फंड रेट। यानी कि अब देखो दोनों बातें क्लियर हो गई, नितिन सिंघानिया ने इतना बड़ा पाप कर दिया ये तो मैं बताया भी नहीं दूसरा रेशियो, और अगर कल कोई क्वेश्चन आ गया खुदा ना खास्ता, मान लो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू बैंक बेसल नॉर्म्स, बेसल थ्री नॉर्म्स, उसके अंदर LCR तो आप चलो बता दोगे, ये तो आपको भनक तक भी नहीं है कि नेट स्टेबल फंड रेट क्या, और इसको भी अगर ये आ गया ये लाइन कि इसको भी 100% मेंटेन करके रखना है, मिनिमम यही है 100%।
एक बात और बता दूं, जो एक पाप और कर रखा है नितिन सिंघानिया ने, वो ये है सॉरी, ये जो 30 डेज वाली जो विंडो है ना, कहाँ गई है ये, फिर से पढ़ो एक बार इस लाइन को। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज द रिक्वायरमेंट अंडर बेसल थ्री नॉर्म्स, जहाँ पर बैंक्स जो हैं उनको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होल्ड करके रखने पड़ेंगे जो इतने पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए टू फंड कैश आउटफ्लोज फॉर 30 डेज, और 30 डेज का क्या स्ट्रेस सिनेरियो बैंकों का। ये क्यों करा जाता है, इसका एम तो मैंने आपको बताया, टू डील विद एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस सिनेरियो बैंक्स, इसी को बोला जाता है, ये आगे चलकर बन जाएगा। बैंक रन, एंड आई होप आपको याद होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मैंने आपको एक छोटे बॉक्स के अंदर इसी चैप्टर के अंदर कवर करवाया था बैंक रन का एक टॉपिक, रिकॉल करवा देता हूँ। बैंक रन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जो एक बैंक की होते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होते हैं, वो अपना पैसा एकदम से विड्रॉ करने लग जाते हैं। कस्टमर जो हैं बैंक से पैसा विड्रॉ करने लग जाएं, ये इकोनॉमी की हेल्थ के लिए अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है, पहले बताओ। नहीं, पहले आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करो कि सर पहले आप ये बताओ कि कितने कस्टमर, उस बैंक के कितना परसेंटेज पूछ रही है मुझसे ठीक है, मोर देन 50%, और वो भी महीने के अंदर अंदर, अब ये बता दो। वो बैंक रन नहीं, वो चड्डी खिसकने जैसा हो जाएगा बैंकों की और मैनेजर की, जब लोग एकदम से विड्रॉ करने लग जाएं अपना पैसा बैंकों से, दे विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स। उनको एक डर रहता है, एक फियर है, उनका कंसर्न रहता है, ये बैंक जो है इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो, एक डर रहता है, असमंजस का एक माहौल छा जाता है। चलो ठीक है, निकालना शुरू करा, दिक्कत क्या इससे, इफेक्ट ऑफ बैंक रन। अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पैसा अपने निकालने लग जाते हैं, मैं लिखवा देता हूं इसको पूरा, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरे लिखवा देता हूं। एस मोर पीपल विड्रॉ देयर फंड्स, अब मुझे एक बात बताना, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना फंड निकालने लग गए तो कईयों को ये नहीं लगेगा कि जिसने लोन पे जो पैसा ले रखा है, उन लोगों को ये नहीं लगेगा क्या करना है इस बैंक का पैसा वापस करके, है ना, तो उससे होता क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टर्स ऑफ बैंक, इट इंक्रीजेस। और जिसकी वजह से एक लूप बन जाता है, लूप किस बात का,
मोर पीपल विड्रॉ देयर फंड्स। हाँ जो आप बोल रहे हो वो आफ्टर इफेक्ट्स की रिपरकशंस, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, 100% करेक्ट हो। मोर पीपल विड्रॉ देयर फंड्स, बैंक के पास दुविधा ये होती है कि भाई मत करो ऐसा, लेकिन बैंक कन्विंस करे तो कैसे करे। और फिर सोच के देखो जरा, पर्सन ऐसे अशमंजिश के माहौल के अंदर, एक डर और एक कंसर्न के माहौल के अंदर बैंकों से पैसा निकाल कर लाया अपना सुबह, उसने कहा मैं बच गया, और शाम को उसी बैंक से फोन आता है, सर आप लोन लेना चाहेंगे। और ये पर्सन शाम की चाय पी रहा है। समझ रहे हो? ये पर्सन फिर क्या बोलेगा उस बैंक वाले से? आपके पास अभी येस बैंक का एक कॉल आया मान लो, ठीक है, और आपको वो ये बोल रहे हैं सौगंधा कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेंगे हमारी, श्री आप क्या बोलोगे कि अपना इंश्योरेंस तो करवा लो पहले। होगा ऐसा कि नहीं होगा बताओ? ट्रस्ट उठ जाता है ना। मयूर कहेगा मैं सब कुछ ले लूंगा, तुम ये बता दो येस बैंक का शेयर उठने का बल है। मैं तुम्हारे पूरे खानदान का इंश्योरेंस ले लूंगा, और बताओ। तुम ये बता दो कि उछाल कब आने वाला है इसके अंदर, तुम लोग कब सोच रहे हो इसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये हो गया, एक मिनट रुकना। हाँ आप बोलो श्रेया क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ, ये सब मतलब जितना आरबीआई ने उसको अपने पास कैश रखने को बोला ना, सब कुछ एंटायर, देखो ना वर्ड ही आ गया जब एंटायर, जितना एसएलआर हो। आप पता है कभी भी इसकी रेस के पीछे मत भागना, मतलब जो थ्योरेटिकली आपको एसएलआर दे रखा होता है कि ये चीज एसएलआर होती है उसको लंग कर लेना। आरबीआई अब ये बोल रहा है कि एसएलआर इतना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परसेंटेज इतना होना चाहिए, गोल्ड का इतना, कैश रिजर्व का इतना, उसके चक्कर में हम तब फंसेंगे जब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट बजट आता है, वो आंकड़ा वहीं से पता लगेगा। हम क्योंकि वीकली रिव्यू या क्वार्टरली रिव्यू आरबीआई का नहीं ले सकते बार बार, हमारा कोई उससे लेना देना ही नहीं है। समझ गए? एंटायर एसएलआर मतलब एंटायर एसएलआर पूरा पूरा। आगे बढ़ू, अब हम बात करते हैं जरा इसके बारे में। एक ये बात बोल रहा था ना, आ गया, काउंटर साइक्लिकल बफर जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी इन द रेंज ऑफ 0 to 2.5% टू प्रिवेंट एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ इन द बैंकिंग सेक्टर, है ना। अब मैं आपको ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में बताता हूँ। आपको इतना पता लग गया पहले मेरी बातों का जवाब देते जाना कि बेसल थ्री नॉर्म्स आने के बाद सेंट्रल बैंकों ने ये स्पेसिफाई करा कि कुछ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो हैं वो बैंकों के लिए हर एक कंट्री में अपनाए जाएंगे, राइट। कितना परसेंट? 9.5%। ये जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर CRAR इसी का पार्ट होता है। ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का ही पार्ट है। अब इसको कैलकुलेट करा कैसे करा जाता है? इट इज कैलकुलेटेड एज पर बैंक्स रिस्क वेटेड
लोन बुक, ये टर्म हालांकि मेंशन कर दी गई थी ये बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, लेकिन ये कुछ नहीं होता है, ये रिस्क वेटेड एसेट्स ही होते हैं। अब रिस्क वेटेड लोन बुक क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट्स ही हैं वो, बस उसमें लिख रखा उन्होंने, मेंशन कर रखा अपनी लोन बुक के अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना भी इजी है। जब ये हम इस टर्म को यूज करते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये जो अगर मैं इसको काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर ना बोल के सिर्फ एक साइक्लिकल कैपिटल बफर बोलूं, तो आपको क्या लगता है बैंक सबसे ज्यादा पैसा कब कमा सकते हैं, जब लोन उनसे ज्यादा लोग खरीदने आ रहे हैं या फिर बैंक लोन नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, बताओ बैंक कब ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जब लेने आ रहे हैं, भले ही वो अभी रिस्की है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मतलब रिस्की इन द सेंस कि जब तक आएगा नहीं देते तब तक तो देखो और चीज रिस्की है। हम लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जब तक पीडीएफ के अंदर नाम ना आ जाए तो तब तक तो यूपीएससी हमारे लिए रिस्की ही है ना। हम अभी क्या, अभी कोई हमसे पूछे तो हम सबको यही तो कहेंगे कि यार यूपीएससी यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा है, टाइम लगता है, वो लगता है। अब क्लियर हो जाए तो क्या बोलेंगे कि आसान है एग्जाम यार, निकाला जा सकता है, नॉर्मल लाइफ एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा टाइम देते हुए, 7-8 घंटे का, चीज़ों को समझते हुए, स्टैटिक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए निकाला जा सकता है। ऐसे ये चीज़ है, बिल्कुल इससे रिलेट करने की कोशिश करो, ध्यान से समझो उसको आराम से ठंडे दिमाग से, कि ज़्यादातर बैंक अपने जो पैसे हैं वो कैसे कमा सकते हैं, कौन से टाइम पर, व्हेन देयर इज अ बूम इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स टेकिंग लोन्स। अब ऐसे कार्यकाल में, ऐसे टाइम ड्यूरेशन में जब बैंकों के पास पैसा आता है तो बैंक क्या सोचेंगे, इसे सर्कुलेट करने के लिए सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, बताओ। तो ये एक साइकिल बन जाएगी बैंकों की, पैसा पीछे से आ रहा है फटाफट अगला लोन, पैसा पीछे से आ रहा है और लोग लोन ले रहे हैं, पीछे वाले लोग लोन चुका रहे हैं, फ्रेश लोन बायर्स फ्रेश लोन को इशू करवाने लोग आ रहे हैं, पुराने वाले फ्रेश जो ओल्ड बोरोअर्स हैं वो अपने लोन चुका रहे हैं, ये साइकिल चलती जाएगी। और बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बोला था इसी के चलते जो डेवलप्ड इकोनॉमीज अपने ऊपर एक कॉलर तान के खड़ी हुई थी ना कि वी आर डेवलप्ड इकोनॉमी, हमारे बैंकों की स्ट्रेंथ देखो, दुनिया में कोई बैंक हमें बीट नहीं कर सकता, तो सालो तुमने सारा पैसा अपना इतने तेजी से घुमा रखा था कि तुम्हें उम्मीद ये थी कि दिन का हमारा अरब खरब खरब डॉलर्स बना करेगा हमारा, तुम डूब गए, ध्वस्त हो गए। तुम्हें बचाने के लिए उस टाइम पर, अपने आप को, खुद को बचाने के लिए $1 भी नहीं था जिससे तुम चड्डी खरीद सको। अब स्ट्रेटेजी अपनाई गई बेसल थ्री के अंतर्गत कि देयर शुड बी काउंटर साइक्लिकल बफर कैपिटल बफर। अब ये क्या है, जिन अच्छे दिनों में आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो जब पैसा आता है तो पर्सन सोचता है उसे खर्च करो, आप इसकी साइकिल को घुमा दो, काउंटर साइकिल कर दो। जब आपके पास अच्छा खासा कैपिटल बफर जब क्रिएट हो रहा है, इसको खर्च मत करो, उस कैपिटल साइकिल को काउंटर साइक्लिकल कर दो। कैसे, अंडर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर मेजर्स ये बोला गया था, ये सबसे बड़ी बात है कि मैंडेटरी कैपिटल होता है डेट इज सेट असाइड बाय बैंक ड्यूरिंग बूम, जब लोन उनके ग्रो हो रहे होते हैं, उस पैसे को साइड रख दो, बिल्कुल उसको ऐसे बोला जाता है। आप ये लाइन छोड़ो, मैं आपको अच्छी लाइन देता हूं यहां पर, मैंने जो अपने नोट्स में लिखी हुई है, अंडर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड से समझना, बिल्कुल अलग कर दो, इस पैसे को छुओ भी मत,
हायर पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कब? ड्यूरिंग गुड टाइम्स। और ये गुड टाइम्स क्या होते हैं? जब लोग बैंकों से लोन इशू करवाने के लिए पगलाए जा रहे होते हैं, बैंकों के लोन रैपिड तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं, और इस पे आपने जितना भी पैसा कमाया अच्छे दिनों में, सेव डेट अमाउंट, फॉरगेट डेट अमाउंट, एंड कीप इट असाइड। इफ इन केस अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, जब इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रेस हो, तो यही वो पैसा है जो कि आपको बचाएगा। मुझे एक बार बताओ, ये जो आखिरी ब्रह्मास्त्र इसने चलाया बेसल थ्री के अंदर, श्रेया, अर्पित, मयूर, सब लोग बताओ, CCCCB का, ठीक है, CCCB का, क्या इसने उस लूप को नहीं तोड़ने की कोशिश करी जिसमें बैंक ये फंसे हुए हैं? वैसे हालांकि ये कोई मतलब ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि तुम लोग यही गलती करते हो दुनिया के सारे बैंक, समझ गए? अब ये वाला अगर आप अगर मेजर दो, ये वाला अगर आप सॉल्यूशन अगर आप दो, श्रेया, इमेजिन करके देखो मेंस के आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू रूम में, एक लगेगा नहीं अच्छी चीज़ के सर अच्छे दिनों के अंदर पैसा मैं बचा लेना चाहिए। जैसे आपको बहुत सारे टाइम में, जैसे मैं मान लो कोई आपके घर में कोई शादी है किसी की, कुछ भी है, आप लड़की हो, आपको शगन के तौर पर बहुत सारे आप लोगों को टकराने पैसे मिले, जो भी मिले, मम्मी अक्सर बोलती है ना कि इससे तेरे को एकदम से मार्केट भगने की चुल की होती है, अभी तक तेरे हाथ में नहीं थे, इसको बचा के रख ले, जोड़ ले, और अच्छा कुछ करके जो तेरे को चाहिए हो फिर वो ले लियो तू। या हमें अक्सर यही समझाया जाता है कि जब आपके पास पैसे हैं तो उसकी फिजूल खर्ची मत करो, सेव करो ज़्यादा पैसा। मयूर, हमारे पास जितना भी भगवान की कृपा से पैसा आता है, हम कितने बार मार्केट भगते हैं, क्या क्या ले आते हैं हम लोग, क्या ले आते हैं कि आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आज मैंने ये खरीदा, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था उतना मैंने ये खरीदा, क्या करते हैं हम, ऐसा बताओ। है ना, यही चीज है कि बैंकों को ये बोला गया कि अच्छे दिनों के अंदर आप ना पैसा जोड़ते नहीं हो, आप ना उसको लोन के टाइम में घुमाते रहते हो। आपके साथ दिक्कत ये हुई थी, इन्होंने बोला बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने, कि 2008 से पहले आपके पास जितना जो आपकी इकॉनमी बूम कर रही थी ना, आप दुनिया की सबसे तगड़ी इकॉनमी थे, आप सबके साथ आपके पास इतनी तादाद में लोन का अमाउंट आया, लोग लोन इशू करवा रहे थे, पैसा आ रहा था, लोग अपना लोन भी रीपे कर रहे थे, आप पगला गए। आपने कंपनीज को 10-10, 15-15 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे मारा कि आपकी इस लालच के चक्कर में कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास पैसा आएगा, आपने एक सिंगल चवन्नी नहीं रखी किसी बैकअप प्लान के लिए। चलिए, ये सॉल्यूशन पक्का देना, अच्छा लगा पहले बताओ, ये सॉल्यूशन समझ में आया आप सबको? वो सही लगा, अच्छा लगा, एक अच्छी क्वालिटी का सॉल्यूशन है, मतलब मुझे तो देखो पर्सनली बहुत पसंद आता है मुझे, लेकिन यहाँ लैंग्वेज पसंद नहीं है यार, इसने यार मन खराब करा ये पूरे का पूरा बेसल नॉर्म्स के अंदर। क्योंकि देखो ना, अब मैंने ये है ही कितना, एक लास्ट में थोड़ा सा उधर था 8.50 पेज के ऊपर, ये वाला पेज और ये वाला पेज, मैं चाहता तो 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर इसकी डिस्कशन करवा देता, मान लो 1 घंटे के अंदर करवा देता, मैंने पूरा दिन लगा दिया बेसल कमेटी के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका पहले यार इसके लिए जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सब कुछ कहानी बताओ पहले।
और एक गलती हमसे और हुई है, उस गलती को मैं सुधारूंगा अक्टूबर में। एनपीए का टॉपिक मैं दोबारा करवाऊंगा एक बार के लिए आपको जरा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया और जो मैं खुद जानता हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया तो बहुत कुछ उसके अंदर, लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पर इजी कर करके आपको लिखवाया इस बारी बीएसएल कमेटी का पूरा पूरा नोट्स बनवा बनवा के ये सब करवा के, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा एनपीए के साथ भी करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए अंग्रेजी टर्म्स और इकोनॉमिक टर्म्स बहुत टफ हो गई होंगी और मैं बोलता चला जा रहा था। तो उसके लिए आई एम सॉरी, वो मैं दोबारा आपको करवाऊंगा अक्टूबर जब हम रिविजन के लिए आएंगे। फोर्थ एडिशन में थोड़ा सा बेटर, और मेरे पर्सनल नोट्स मेरे लिए ब्रह्मास्त्र हैं, उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि वो सारे बुक्स की कंपाइलेशन है। ठीक है, हाँ एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ, ज़रा कुछ रह तो नहीं गया। और अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है, ये आपको पता लग गया कि जब लोन्स ग्रो हो रहे हैं उसका पैसा उस टाइम पर रख लो, वेस्ट मत करो, और जब इकॉनमी में अगर कभी डिस्ट्रेस आ जाए तो यूज़ करना, वो तो चलो ठीक है। इट हेल्प्स अ बैंक टू काउंटर डिस्ट्रेस इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग इन द पीरियड्स ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ। जब आपके पास जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो अंधाधुंध जो है वो आप इसको मत करो यूज़। मैं इसका ज़रा आपको इंडियन सिनेरियो बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल दे नहीं रखा है और पता नहीं इसने बेवकूफ़ी ऐसे क्यों कर रखी है। बींग आई एस एस सब जीते नितिन सिंघानिया को शोभा नहीं देती है। आरबीआई ने दो चीज़ें याद रख लेना, आरबीआई ने 2015 में ना ये बोल दिया था सभी बैंकों को कि आपको काउंटर साइक्लिकल कैपिटल जो बफर है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, पहले बोल दिया था अभी इसने, ठीक है 2015 में एज पार्ट ऑफ बेसल थ्री रिक्वायरमेंट्स। अडॉप्ट करना पड़ेगा इसने बोला, लेकिन आरबीआई ने एक न्यूट्रल पोजीशन अपना ली विद रिस्पेक्ट टू ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, मेंटेन कितना होना चाहिए। और आरबीआई ने बोला उस टाइम पर बोला था और आज भी ये चीज बरकरार है कि इसका जो रेशियो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर रेशियो ये तब से 0% ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर 0% है मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, यानी कि अलग अलग बैंक अपने हिसाब से देख लेगा। पॉइंट ये है, मैं आपको बताता हूँ पूरी मतलब इसके पीछे की कहानी बताता हूँ भाई, कौन सा बैंक अभी सक्षम चल रहा है मतलब हमारे देश में। 2015 ने आरबीआई ने कह दिया था, लेकिन जब उन्होंने बैंकों की हालत को देखा, कौन सा ऐसा बैंक है जिसके लोन्स पे लोन्स बूम करे जा रहे हैं, बताना ज़रा। बैंक कतराते हैं लोन देने से, एनपीए जब से बढ़ रहा है हमारे देश में, एनपीए की तो मेन समस्या है, समझ रहे हो। अच्छे दिन चल कौन से बैंक के रहे हैं, और आरबीआई फिर चुप क्यों है, ये मैं एक आपको टॉनिक देता हूँ। ऑडियंस के लिए मुझे म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल ये फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लेकिन अब आप कहोगे आरबीआई बेसल थ्री के लिए इतना सीरियस है, इसने इतना प्यारा स्टेप काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में कुछ भी नहीं कहा बैंक को। आरबीआई बोलता है, आरबीआई की क्या एक्सप्लेनेशन है इसके लिए ये समझते हैं,
आरबीआई कहता है हम इसको हर साल, ये जितने भी पैरामीटर थे जिसकी वजह से ये बैंक अपने पास पैसा रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं हर साल बैंकों के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। तो जिसको आप लोग बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन वाले, देखो मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आरबीआई की गर्दन पकड़ ली जाएगी। आरबीआई ने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन ये दी कि ये जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है, जब अच्छे दिन चल रहे हो और जो लोन्स बूम कर रहे हो तो वो कैपिटल बचा कर रख लो। आरबीआई ने बोला ये सब कुछ हम मेंटेन कर लेते हैं, मैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सारे बैंकों के ऊपर लगाम लगा देता हूं और एडजस्टमेंट्स कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट जीडीपी गैप, ग्रॉस एनपीए, इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अदर इंडिकेटर्स। जब पहली मॉनेटरी पॉलिसी निकलती है हर एक फाइनेंशियल ईयर की, या जब भी निकलती है क्वार्टरली या जो भी है, उसमें एडजस्ट ये सारी चीजें हो जाती है। नहीं नहीं क्रेडिट रिस्क नहीं, मतलब मैं बोलूँ कि आरबीआई बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, वैसे क्रेडिट जीडीपी गैप, ग्रॉस एनपीए कितना बढ़ रहा है, नेट एनपीए कितना बढ़ रहा है, वो आरबीआई कहता है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में जब मैं बाकी इंडिकेटर्स को फिट करता हूँ ना, तो ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर वाली चीज ऑटोमेटिकली उसके अंतर्गत समा जाती है। बैंकों की लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल हालत का हमें ख्याल रहता है, ये बोल रहा है आरबीआई। और आरबीआई कह रहा है कि इसके लिए मैं अलग से सीसीसीबी मेंटेन नहीं करवाना चाहता बैंकों से, हम उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। मेरी बात समझ गए? तो ये एक्चुअली जो 0% बोला ना इसने, वो ये बोला कि हम ट्रिपल सी बी नाम की कोई चीज नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे देश में ये चीज एडजस्ट हो जाती है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद एलसीआर की अगर मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दूं, COVID-19 जब आया था तो आरबीआई ने एलसीआर कितना पैसे मेंटेन करने का बोला हुआ है, 100% ना, आरबीआई ने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था। पहली वेव जब आई 80%, दूसरी वेव के बाद 90%, लेकिन दोबारा जब सब कुछ नॉर्मल हुआ 100%। ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक बेसल नॉर्म से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।